रात भर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर डटे करनी सेना कार्यकर्ता ठंड में खुले आसमान के नीचे सोए संगठन प्रमुख समेत पांच कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत इक्कीस मांगों को लेकर भोपाल के जम्बूरी मैदान पर रविवार सुबह शुरू हुआ करनी सेना का महा आंदोलन देर रात भी जारी है दिन भर के प्रदर्शन के बाद रात होने पर भी आंदोलनकारी मैदान पर डटे हैं हालांकि दोपहर के तुलना में रात के दौरान भीड़ कम नज़र आई इधर करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत पांच कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठे हैं उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा करणी सेना परिवार ने मांगे नहीं मानने पर विधानसभा घेराव की चेतावनी दी थी हालांकि बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने उनसे बातचीत का समय मांगा जिसके बाद फिलहाल प्रस्तावित विधानसभा घेराव टाल दिया गया है विधानसभा घेराव की चेतावनी के बाद वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है आंदोलनकारी अपने साथ कंबल और गद्दे साथ लेकर आए रात में प्रदर्शन के दौरान मैदान में ही सोते नजर आए आंदोलनकारी अपने साथ कंबल और गद्दे साथ लेकर आए रात में प्रदर्शन के दौरान मैदान में ही सोते नजर आए जीवन सिंह ने कहा है कि भूख हड़ताल पर सिर्फ पांच लोग बैठेंगे। उन्होंने मंच से कहा कि जिसे जाना हो वो खुशी से जा सकता है लेकिन कहीं भी तोड़फोड़ और उद्दंडता नहीं होनी चाहिए उन्होंने किसी भी तरह की हिंसा नहीं करने की अपील की है उन्होंने कहा कि आंदोलन लगातार जारी रहेगा मंच से करीब 200 मीटर दूर दो बड़े पंडाल बने हैं इन पंडाल को टेंट हाउस ऑपरेटर ने सामान रखने के लिए बनाया था अब यहाँ आंदोलन में शामिल होने प्रदेश के दूसरे शहरों और देश के दूसरे राज्यों के कार्यकर्ता सोते रहे वहीं कई कार्यकर्ता मंच के आसपास मैदान में अलाव तापते रहे मंच के नीचे बिस्तर लगाकर सोए आंदोलन में शामिल हुए करीब बीस कार्यकर्ता मंच के नीचे बिस्तर लगाकर सोते रहे इसके लिए इन कार्यकर्ताओं ने मंच की बल्लियों के बीच अपने बिस्तर लगाए हैं ताकि सर्द हवाओं से बचा जा सके रात होने के बाद भी करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता जम्बूरी मैदान पर डटे हैं आंदोलनकारियों <गीदवन> ने एक साथ मोबाइल की टॉर्च जलाई <गीदवन> रात होने के बाद भी करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता जम्बूरी मैदान पर डटे हैं आंदोलनकारियों <गीदवन> ने एक साथ मोबाइल की टॉर्च जलाई जीवन सिंह ने कहा कि हमने मांगे पूरी करने के लिए चार बजे तक का समय दिया था इस पर सरकार ने हमसे समय मांगा है हमने उन्हें समय दिया है इसके साथ ही हम अपना अनशन शुरू कर रहे हैं हम यहीं बैठेंगे तब तक मैदान नहीं छोड़ेंगे जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत पांच कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर समेत पांच कार्यकर्ता भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया पांच राज्यों से कार्यकर्ता पहुंचे प्रदर्शन में मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा राजस्थान महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से भी करनी सेना के कार्यकर्ता पहुंचे हैं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता माई केलाल और जय भवानी के नारे लगाते नजर आए प्रदर्शन के लिए शनिवार रात से ही लोग भोपाल के जम्बूरी मैदान पर जुटना शुरू हो गए थे सुबह होते होते पूरा मैदान करणी सेना के कार्यकर्ताओं से भर गया पुलिस ने जम्बूरी मैदान की ओर जाने वाले रास्तों का ट्रैफ़िक डायवर्ट कर दिया भारी भीड़ से कई जगहों पर जाम की स्थिति बनी भोपाल के जम्बूरी मैदान पर करणी सेना परिवार का शक्ति प्रदर्शन जारी है इसमें कई प्रदेश से लोग शामिल होने आए हैं भोपाल के जम्बूरी मैदान पर करनी सेना परिवार का शक्ति प्रदर्शन जारी है इसमें कई प्रदेश से लोग शामिल होने आए हैं मांगे नहीं माई तो उतरेंगे राजनीति में करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि हमारी मांगे नहीं मानी तो हम राजनीति में उतरने से भी परहेज़ नहीं करेंगे सवर्णों पिछड़ा वर्ग का साथ भी हमें मिल रहा है हम व्यवस्था में सुधार के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं इससे पूर्व शनिवार को करनी सेना के प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रदीप राजपूत ने बताया कि इस आंदोलन के पहले अचानक क्षत्रिय समागम का आयोजन कर सर्व समाज की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया आंदोलन में कई समाजों के लोग शामिल हो रहे हैं हमारे आंदोलन को दबाने के लिए जम्बूरी मैदान के आसपास शेर की चादरें लगाई गई लोग भोजन का प्रबंध करके आए हैं वहीं करनी सेना परिवार के योगेंद्र सिंह ने कहा कि आंदोलन को रोकने के लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए आयोजन की अनुमति बड़ी मुश्किल से मिली कई जिलों में बसों के परमिट नहीं दिए गए इसलिए जिला स्तर पर भी आंदोलन करना पड़ रहा है शाम पाँच बजे रिपोर्टर की आंखों देखी रविवार का दिन भोपाल का जम्बूरी मैदान शाम के करीब पाँच बजे रहे थे दिन भर की सुहानी धूप ढल चुकी थी टाके की ठंड चढ़ रही थी लेकिन मैदान पर जुटे करणी सेना परिवार के कार्यकर्ताओं का जोश हाई था ठंड से बचने के पूरे प्रबंध के साथ हजारों लोग खुले आसमान के नीचे बैठे मिले इधर मंच से आंदोलन की अगुवाई कर रहे करणी सेना परिवार के नेताओं का भाषण चल रहा था वहीं सभा स्थल से करीब 300 मीटर दूर बनी पार्किंग में बसे ट्रक मैटाडो कार लोडिंग ऑटो में करनी सेना परिवार के सदस्य खाना बनाने में जुटे हैं यह लोग अगले पाँच से दस दिन की जरूरत का राशन पानी लेकर भोपाल आए हैं इस संकल्प के साथ की सरकार उनकी इक्कीस सूत्रीय मांगें पूरी करेगी करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर ही पूरी बना रहे हैं कार्यकर्ता अपने साथ तीन माइनस चार दिनों का राशन लेकर आए हैं करनी सेना परिवार के कार्यकर्ता आंदोलन स्थल पर ही पूरी बना रहे हैं। कार्यकर्ता अपने साथ तीन माइनस चार दिनों का राशन लेकर आए हैं। आंदोलन में आए लोग वाहनों में गद्दे रजाई पानी और खाने पीने के सामान भी लेकर आए हैं आंदोलन के दौरान वाहनों में ही कार्यकर्ता आराम कर रहे हैं आंदोलन में आए लोग वाहनों में गद्दे रजाई पानी और खाने पीने के सामान भी लेकर आए हैं आंदोलन के दौरान वाहनों में ही कार्यकर्ता आराम कर रहे हैं मंदसौर से कुंदन सिंह सोलन की ट्रक से आए हैं वो ट्रक में चालीस आंदोलनकारियों को साथ लाए हैं उन्होंने बताया कि ट्रक में रजाई गैदों के अलावा खाने के लिए पंद्रह दिन की जरूरत का राशन भी लाए हैं ताकि आंदोलन स्थल से हमें खाने पीने की जरूरत के सामान के लिए जम्बूरी मैदान नहीं छोड़ना पड़े मंदसौर के कतलार गांव से आए राजेंद्र सिंह चालीस साथियों के साथ आंदोलन में शामिल होने भोपाल आए हैं उन्होंने कहा कि तीन दिन का राशन लेकर आया हूं। संगठन की दूसरी टीम अगले आठ दिन के राशन की व्यवस्था कर रही है हमने आंदोलन को लंबा चलाने के लिए ग्रुप को अलग अलग टीम में बांटा है हमारी टीम आंदोलन में शामिल हो रही है जबकि दूसरी टीम राशन व्यवस्था कर रही है प्रशासन के अफसरों के मुताबिक जम्बूरी मैदान पर करनी सेना के सात हज़ार से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद हैं प्रशासन के अफसरों के मुताबिक जम्बूरी मैदान पर करनी सेना के साठ हजार से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद हैं राशन सिगड़ी टेंट लेकर पहुँचे लोग जम्बूरी मैदान में करनी सेना को कार्यक्रम के लिए एक दिन की अनुमति दी गई है लेकिन यहां पहुंचे ज्यादातर लोग दो से चार दिन का राशन लेकर आए हैं इनके पास गैस सिलेंडर से लेकर सिगरी तक है ट्रकों में जलाव लकड़ी है जिसका उपयोग इन्होंने रात को अलाव जलाने में किया था कुछ लोगों ने अपने अपने टेंट लगाए हैं पुलिस ने भी इलाके के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है जम्बूरी मैदान में शनिवार रात से ही करनी सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटने लगे थे सुबह देखते देखते जम्बूरी मैदान पर जनसैलाब का नज़ारा दिखा जम्बूरी मैदान में शनिवार रात से ही करनी सेना के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटने लगे थे सुबह देखते देखते जम्बूरी मैदान पर जनसैलाब का नज़ारा दिखा गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई मंजीत पाल सिंह भी इस प्रदर्शन में पहुंचे। वे राजस्थान से करीब सत्तर गाड़ियां लेकर आए हैं बता दे कि आनंदपाल सिंह 2017 में एनकाउंटर में मारा गया था खुफिया विभाग भी नहीं भांप पाया इस आंदोलन में आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे यह खुफ़िया विभाग भी आकलन नहीं कर पाया लोकल इंटेलिजेंस के पास तीस हज़ार से चालीस हज़ार लोगों के पहुंचने की सूचना थी इसमें एक गुट ने पहले से ही 8 जनवरी को जम्बूरी मैदान में सम्मेलन की अनुमति पुलिस आयुक्त से ले रखी थी इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर राजपूत समाज की महापंचायत हुई इसमें मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की इसके बाद मुख्यमंत्री आवास में महापंचायत कराने वाला गुट भी इस सम्मेलन में मजबूरी में शामिल हुआ और उनके दबाव से फिर से सभा करने की अनुमति पुलिस आयुक्त ने दे दी यहां राजस्थान से आए महिपाल सिंह मकराना जयपुर यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष रविन्द्र सिंह भाटी भी पहुंचे करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने कहा कि विश्व का सबसे बड़ा इतिहास लिखा जाएगा उन्होंने मैदान पर 10 लाख से ज्यादा राजपूतों के एकत्रित होने का दावा किया है हर व्यक्ति को अपने साथियों को यह बताना है कि हमें का